महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जो लड़ाई उद्धव ठाकरे के सामने 2022 में छेड़ी थी उसमें तो वो आगे निकल चुके हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद वो बीजेपी के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुके हैं। एकनाथ शिंदे ना तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ना ही सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। अब एकनाथ शिंदे को बीजेपी के फैसले पर निर्भर रहना होगा और जो बीजेपी कहेगी वैसा ही करना होगा। आखिर कैसे बीजेपी के चक्रव्यूह में एकनाथ शिंदे फंस चुके हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 2022 में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर दी थी। उस वक्त बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया था, लेकिन अब उनको मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी पूरी तरह से इनकार कर रही है और जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार शिंदे पूरी तरह से फंस चुके हैं। शिंदे के चक्रव्यूह में फंसने का पहला कारण है चुनाव के नतीजे। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो महायुति में अगर बीजेपी 70 से 75 सीटों तक रुक जाती तो एकनाथ शिंदे की दावेदारी पक्की हो जाती, लेकिन चुनाव के नतीजे ऐसे आए हैं कि एकनाथ शिंदे के बगैर भी बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार अजित पवार के बदौलत चला सकती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास बीजेपी की बात मानने के अलावा और भी कोई विकल्प नहीं है। एकनाथ शिंदे ना बीजेपी के साथ बगावत कर सकते हैं और ना ही अकेले अपने दम पर सरकार बना सकते हैं और ना ही वो उद्धव ठाकरे के पास वापस जा सकते हैं। दूसरा कारण जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे फंस चुके हैं वो है अजीत पवार। आपको बता दें कि जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें अजीत पवार की पार्टी को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में बीजेपी अजीत पवार के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाने में काफी कंफर्टेबल है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे को चेकमेट करते हुए अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का समर्थन भी दे दिया है। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम को आगे बढ़ाकर अपना सियासी दांव चल दिया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे भले ही उद्धव ठाकरे से शिवसेना के असली नकली की लड़ाई में जीत गए हों, 38 विधायक से बढ़कर अब उनके पास 57 विधायक हो गए हों, लेकिन वो सत्ता के सियासी चक्रव्यूह में पूरी तरह से उलझ चुके हैं। आठवले ने तो सार्वजनिक रूप से कहा है कि बीजेपी के ऑफर के बाद शिंदे नाराज हैं और सीएम पद ना मिलने से नाखुश हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आठवले ने यह भी कहा है कि जब एकनाथ शिंदे को पता चला कि बीजेपी आलाकमान ने सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस को चुना है तो वो थोड़े नाखुश हो गए, जिससे मैं समझ सकता हूं। लेकिन बीजेपी को 132 सीट मिली है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई और रास्ता निकालना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना चाहिए, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पदभार संभालना चाहिए। अगर वो डिप्टी सीएम बनने के इच्छुक नहीं है तो उन्होंने पीएम मोदी से बात करके केंद्र में कैबिनेट की सीट लेनी चाहिए। महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। शिंदे के पास पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं। 2022 में एकनाथ शिंदे ने 38 विधायकों को अपने साथ लेकर गुवाहाटी चले गए और उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर दी थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को समर्थन दे दिया और बीजेपी के मदद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन शिंदे की महत्वाकांक्षा में उस वक्त सबसे बड़ा बदलाव आया जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा। अपने स्ट्राइक रेट के दम पर एकनाथ शिंदे ने अपने आपको विधानसभा चुनाव में महायुति का चेहरा बना लिया और फिर से मुख्यमंत्री बनने का वो सपना देखने लगे। एक तो उद्धव के साथ हाथ मिलाने में उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा और दूसरा ये कि अगर वो विपक्ष में जाते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी उनके नेताओं के खिलाफ जो मामले हैं वो एक बार फिर से शुरू कर दे। शिंदे के पास क्या है ऑप्शन, ये भी आपको बता देते हैं। जो हालात महाराष्ट्र में इस वक्त बने हुए हैं उससे एकनाथ शिंदे के सामने बीजेपी की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एकनाथ शिंदे को या तो केंद्र में जाने का ऑप्शन एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी एक्सेप्ट करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे के पास बीजेपी को घुटने पर लाने का अगर कोई ऑप्शन है तो वो है केंद्र से अपना समर्थन हटाने की धमकी। आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार अपने सहयोगी के बदौलत टिकी हुई है। अगर ऐसे में एकनाथ शिंदे अपने 7 सांसदों का समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी सरकार के अंदर बगावत की गूंज उठने लगेगी और हो सकता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी इसका असर देखने मिले। तो एकनाथ शिंदे के पास सिर्फ केंद्र में जो उनके सांसद हैं उनका ही एक ऑप्शन बचा हुआ है, जिसके चलते वो बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में आगे हो सकता है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर